हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह पंचतत्व में विलीन। बुलंदशहर के नारोरी में बंशी घाट पर अंतिम संस्कार। योगी सरकार का बड़ा फैसला, कल्याण के नाम पर होगी अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर को जाने वाली सड़क। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, लखनऊ प्रयागराज बुलंदशहर अलीगढ़ में एक एक सड़क कल्याण सिंह के नाम पर होगी। अलीगढ़ के मिनी एयरपोर्ट को कल्याण सिंह के नाम पर रखने की मांग, योगी कैबिनेट की अगली बैठक में पास हो सकता है प्रस्ताव। कल्याण सिंह के निधन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच ने आज अवकाश घोषित किया। यूपी में राजकीय शोक का आज तीसरा दिन। सड़क को कल्याण सिंह का नाम देने पर समाजवादी पार्टी का तंज, कहा विकास से जुड़ा कुछ बड़ा काम करे योगी सरकार। यूपी में सड़कों के नाम कल्याण सिंह मार्ग करने पर कांग्रेस नाराज, जावेद अहमद ने हिडन एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राशिद अलवी जातिगत जनगणना के समर्थक, कहा धर्म के आधार पर जनगणना तो जाति आधार पर जनगणना क्यों नहीं। कांग्रेस नेता जावेद अहमद ने जातिगत जनगणना का किया समर्थन, कहा जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए जरूरी। सुहेल देव पार्टी अध्यक्ष ओपी राजभर ने किया जाति जनगणना का समर्थन, पूछा बीजेपी पिछड़ों की गिनती के खिलाफ क्यों। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने काबुल से सिर्फ हिंदुओं और सिखों को वापस लाने के फैसले पर सवाल उठाए, कहा अफगानिस्तान में मुसलमान भी जुल्म के शिकार। अखिलेश यादव ने रोडवेज की बस में खिड़की से बच्चे को अंदर पहुंचाती महिला की तस्वीर शेयर करके लिखा, विकास की सीढ़ियां चढ़कर अपनी जगह बनाते यूपी के बेबस लोग। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक और दारोगा के बीच तकरार, बीच सड़क पर एसपी एमएलए इरफान सोलंकी ने इंस्पेक्टर के साथ तूतूमेमे की। पुलिस के मुताबिक गुंडा एक्ट के अपराधी की गाड़ी का चालान कटने से भड़के एसपी विधायक समर्थकों के साथ ग्वाल टोली थाने पहुंचकर दारोगा को देख लेने की धमकी दी। वीडियो वायरल होने के बाद विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ मामला दर्ज, अफसरों ने जांच के आदेश दिए। मामला तूल पकड़ने पर विधायक इरफान सोलंकी ने सफाई दी, पुलिस वाले ने की बदतमीजी, इसी वजह से पारा हुआ हाई, कहा कमिश्नर से मिलकर शिकायत करेंगे। प्रियंका गांधी ने महंगाई पर योगी सरकार को घेरा, वीडियो शेयर करके लिखा काम धंधे बंद, सिलेंडर भराने के पैसे नहीं। हरदोई में बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी, बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा ब्राह्मणों के सम्मान और तरक्की का वादा करते हैं आप नेता। संजय सिंह का कुंभ में भ्रष्टाचार का आरोप, कहा एक ट्रैक्टर से कूड़ा ढोने का खर्च 33 लाख, जबकि मोटरसाइकिल से हुई कूड़े की ढुलाई। गन्ना किसानों को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही सरकार पर हमलावर, ट्वीट कर कहा गन्ना किसानों के मुद्दे को जल्द हल करने की जरूरत। सिद्धू ने कहा पंजाब में खेती की लागत अधिक होने के बावजूद राज्य का सुनिश्चित मूल्य हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड की तुलना में बहुत कम। गन्ना किसानों के आंदोलन से पंजाब में पटरी पर उतरी रेल सेवा, आज भी 48 ट्रेनों को रद्द किया गया, कई के रूट बदले गए। बासमती चावल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरने से पंजाब के किसान मायूस, अमृतसर में किसानों ने राज्य सरकार का विरोध किया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सिद्धू के सलाहकारों को संवेदनशील मुद्दों पर खामोश रहने के लिए कहा। राशिद अलवी की सिद्धू को सलाह, कहा सिद्धू को सलाहकार रखने की जरूरत नहीं, ना समझ लोगों के बयान को ना दे तवज्जो। सिद्धू की सलाहकार पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, कहा कांग्रेस पहले अपने घर को बचाए फिर दुनिया में शोर मचाए। आप नेता हरपाल सिंह चीमा का सिद्धू पर हमला, एडवाइजर रखने पर कहा सिद्धू का दिमागी संतुलन ठीक नहीं। दिल्ली में बस घोटाले पर पंजाब बीजेपी का आप पर अटैक, कहा ईमानदारी का ढोंग करने वाली केजरीवाल सरकार घोटाले में लिप्त। चुनाव से पहले पंजाब बीजेपी का ऐलान, कहा सरकार बनी तो पंजाब के लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली देंगे। पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता अकाली दल में शामिल, सुखबीर बादल बोले पंजाब के विकास के लिए उपयोगी लोगों की तलाश। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू, कोरोना के चलते दो ग्रुप्स में विधायक बिठाए गए। उत्तराखंड विधानसभा में 40 विधायक असेंबली के मेन एरिया में बैठे, जबकि 31 एमएलए कमरा नंबर 107 में बिठाए गए। विधानसभा सत्र से पहले सीएम पुष्कर धामी की विपक्षी दलों से अपील, कहा जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो, उम्मीद है विपक्ष सहयोग करेगा। हरीश रावत का महंगाई और बेरोजगारी को लेकर उत्तराखंड सरकार पर अटैक, कांग्रेस को बताया हिंदुओं का सच्चा हितैषी। उत्तराखंड आप नेता राकेश यादव लापता होने पर सियासत तेज, और हरिद्वार में थाने में धरने पर बैठे आप कार्यकर्ता। केदारनाथ मंदिर के सामने पुजारियों का प्रदर्शन, उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की मांग। गोवा बीजेपी अध्यक्ष सदानंद शेट को डाबोलिम विधानसभा क्षेत्र में मंडल कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। डाबोलिम में चुनावी सभा से पहले बीजेपी अध्यक्ष सदानंद शेट ने की श्री संतोषी मां मंदिर में पूजा करके आशीर्वाद लिया। गोवा में आपने दोहराया फ्री बिजली का वादा, कहा पूर्व ऊर्जा मंत्री पांडुरंग मडकाईकर ने माना बीजेपी में ऐसा करने की हिम्मत नहीं। गोवा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष आइरीन बेरोस का निधन हुआ, नेता विपक्ष दिगंबर कामत समेत कांग्रेसी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।